तेज, और हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उनको बचाएं, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये एक हिंदुस्तान के वो नेता हैं जो भारत को सबके लिए मजबूत करना चाहते थे और भारत को इतना ऊंचा ले जाना चाहते थे कि दुनिया में इसका मुकाबला नहीं किया जा सके। इनमें इतनी मित्रता, प्यार सबके लिए था और चाहते थे कि अमन आए, न सिर्फ हमारे कि सारी दुनिया में अमन आए और हम लोग आगे बढ़ सके। डॉक्टरों से आपकी बातचीत हुई है? जी हाँ, डॉक्टरों की बात भी यही है कि हालत नाजुक है। सवाल है कि भगवान क्या करेंगे और कब होगा, ये वही जानता है, मगर हालत नाजुक है। हम लोग उनके परिवार के लोगों से सब लोग मिल रहे हैं, और जो भीतर का मामला है उनके स्वास्थ्य का, वो डॉक्टर्स का जो बुलेटिन है उसी के ऊपर में निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग जो लोग जा रहे हैं उनके परिवार के लोगों को सांत्वना हम लोग मिल रहे हैं, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं।